भारत पठानकोट हमले में तेजी के लिए इंटरपोल की मदद लेगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो हमले में मारे गए आतंकियों की पहचान की कोशिश के तहत एक ब्लैक कॉर्नर नोटिस जारी करवाने के लिए भारत सरकार इंटरपोल की मदद लेगी। दूसरी ओर हमले की जांच के दौरान एनआईए की टीम ने एक और मोबाइल फोन, दूरबीन और AK-47 की एक मैगजीन जैसी चीजें बरामद की हैं। एनआईए की टीम पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर और बाहर दोनों ओर मौजूद गवाहों से पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम इस पहलू से भी जांच कर रही है कि क्या आतंकियों को हथियार सहित एयरबेस में घुसने में किसी अंदर के व्यक्ति ने मदद की। 2 जनवरी को पहला हमला सुबह 3:30 बजे के आसपास हुआ था। गौरतलब है कि 6 आतंकियों को मार गिराने के बाद भी 45 से अधिक विस्फोटक वहां से बरामद हुए थे।